हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड पैराडाइज। आज हम बनाएंगे करेला चाट। चलिए सबसे पहले करेला बनाते हैं। एक बर्तन में 250 ग्राम मैदा लेंगे। इसमें स्वादानुसार नमक, अजवाइन और रिफाइंड ऑयल डालकर अच्छे से मोयन देंगे। जब मैदे में अच्छे से बाइंडिंग आ जाए तब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर कड़ा आटा गूंथ लेंगे। डो तैयार हो गया है। अब इस पर तेल लगाकर 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 20 मिनट हो चुका है। डो को फिर से गूंथ लेंगे। चलिए करेला बनाते हैं। अब इसकी लोई काटकर पतली पूरी बेल लेंगे। पूरी बन गई है। अब चाकू की सहायता से किनारे को छोड़कर बीच में कट लगाएंगे, बिल्कुल इस तरीके से। अब इसके दोनों किनारों को पकड़कर इस तरीके से फोल्ड करेंगे। किनारों को उंगली से दबा देंगे। ये देखिए, आपका करेला तैयार हो गया। इसी तरीके से सारे करेले बना लेंगे। अब करेले को फ्राई करते हैं। पैन में ऑयल गरम करेंगे और करेले को डीप फ्राई करेंगे। करेला कुरकुरा बने इसके लिए एक टिप बताती हूँ। आप गैस को लो या मीडियम ही रखें ताकि करेले अंदर से पके और कुरकुरे बने। फ्रेंड्स, करेला चाट फेमस इलाहाबादी स्ट्रीट फूड है। ये देखिए, करेला गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे निकाल लेंगे और इसी तरीके से सारे करेले बना लेंगे। और आप करेले को पहले से बनाकर एक एयर टाइट डिब्बे में एक सप्ताह तक रख सकते हैं। फ्रेंड्स, करेला और सकोड़ा दोनों ही इलाहाबाद की फेमस स्ट्रीट फूड है। सकोड़ा की भी रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप एक बार अवश्य ट्राई कीजिएगा। डेफिनेटली पसंद आएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। करेला बन गया है, अब चलिए चाट बनाते हैं। चाट के लिए हम यूज करेंगे छोले, खट्टी मीठी चटनी, दही, चाट मसाला, प्याज, धनिया। छोला आप चने का भी ले सकते हैं, मटर का भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम गेहूं के आटे से जो करेला बना था उसका चने के छोले के साथ चाट बनाएंगे। प्लेट में दो करेले तोड़ लेंगे, छोले डालेंगे, खट्टी मीठी चटनी डालेंगे, दही डालेंगे, काला नमक, चाट मसाला, लाल मिर्च डालेंगे, प्याज और धनिया से गार्निश कर देंगे। बेसन की भुजिया भी डाल देंगे और आपका करेला चाट तैयार हो गया। एक बार करेला बना लीजिए, फिर चाट कैसे बनाना है ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसमें अनारदाना भी डाल सकते हैं। करेला भी आप प्योर मैदे का बना सकते हैं या फिर उसमें आटा मिक्स करके बना सकते हैं। चलिए अब जो मैदे का करेला बनाए थे उसका मटर के छोले के साथ चाट बना लेते हैं। आप करेले को चाय के साथ ऐसे भी एज ए स्नैक्स खा सकते हैं। खट्टी मीठी चटनी और हरी चटनी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वैसे फ्रेंड्स, स्ट्रीट फूड का अपना अलग ही आनंद है जो बड़े होटलों और रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलता है। ये लीजिए, फेमस इलाहाबादी स्ट्रीट फूड करेला चाट तैयार हो चुका है। खाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।